फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की फोर्थ पेंटिंग, जिसका टाइटल थोड़ा सा लंबा है। टाइटल है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। सो नेम ऑफ द पेंटिंग इज़ सेम, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, दे बोथ आर सिटिंग। पेंटर इज़ अगेन अननोन। मीडियम वाटर कलर। टाइम इज़ 1750 to 1770 AD। सब स्कूल इज हैदराबाद। टेक्निक टेम्परा एंड कलेक्शन इज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और जो आमिर खुसरो थे वो एक्चुअली थे कौन। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक फेमस सूफी सेंट थे, जो कि क्रिश्चियन ऑर्डर को इंडिया में इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करी थी उन्होंने। चिश्ती ऑर्डर ये होता है कि दैट बिलीव्स लव एज अ मीन्स ऑफ रियलाइजिंग गॉड। फॉर हिम लव ऑफ गॉड इम्प्लाइज द लव ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि एग्जामिनर को ये कन्विंस करने के लिए कि हाँ, आपको पता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे। और आमिर खुसरो को तो हम सभी जानते हैं, वो एक इंडियन म्यूजिशियन थे, स्कॉलर थे और पोएट भी थे। ही वॉज अ प्रोलिफिक क्लासिक पोएट एसोसिएटेड विथ रॉयल कोर्ट्स एंड मोर देन 7 रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो दिल्ली सल्तनत के 7 रूलर्स के कोर्ट में एक बहुत ही अच्छे लेवल के म्यूजिशियन और स्कॉलर थे। ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ क्वाली। आमिर खुसरो को फादर ऑफ क्वाली भी कहा जाता है। ही डिवोटेड म्यूजिक ऑफ सूफी इन इंडिया। उन्होंने क्वाली, एक डिवोशनल सॉन्ग जो सूफी म्यूजिक है, वो इंडिया में इन्वेंट करा था। द इन्वेंशन ऑफ तबला इज ऑल्सो ट्रेडिशनल एट्रीब्यूटेड टू आमिर खुसरो। उन्होंने तबले का भी इन्वेंशन करा था। सो He was a spiritual disciple of Nizamuddin Aulia. Nizamuddin Aulia के वो student थे, disciple थे। So moving on to subject matter. इस painting में आमिर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक open courtyard में बैठे हैं, yellow platform पे, येलो या फिर ब्राउनिश वुडन प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलियाज इज रेज टू एक्सप्लेन समथिंग टू आमिर खुसरो। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं आमिर खुसरो को, और वो बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। एंड आमिर खुसरो इज़ प्लेइंग इकतारा एंड सिंगिंग सूफी सॉन्ग फॉर हिम। आमिर खुसरो ने हाथ में इकतारा होल्ड कर रखा है और वो अपने गुरु को एक सूफी सॉन्ग गाकर सुना रहे हैं। कंपोजिशनल अरेंजमेंट। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इज़ वियरिंग ग्रीन कलर ड्रेस एंड हैविंग वाइट बियर्ड। उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है और उनकी दाढ़ी वाइट कलर की दिखाई गई है। देयर इज़ अ येलो हालो शोन अराउंड हिज हेड। एक येलो कलर का हालो आपको बहुत ईजिली दिख सकता है उनके हेड के पीछे। आमिर खुसरो इज़ वियरिंग प्रिंटेड अंगरखा ऑफ पिंक कलर एंड पटका एंड हैविंग ब्लैक बियर्ड। उन्होंने एक पिंक या मर्जेंटा कलर का अंगरखा डाल रखा है और उनकी छोटी सी बियर्ड ब्लैक कलर की शो की गई है। इन द बैकग्राउंड ओनली सिंगल फ्लावरिंग ट्री इज शोन। बैकग्राउंड में एक ट्री है जो फ्लावर से लदा हुआ है। द स्काई इज शोन इन ब्लू कलर। जो बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा पोर्शन स्काई का दिख रहा है वो ब्लू कलर का शो किया गया है। इन द फोरग्राउंड, अब फोरग्राउंड की बात करते हैं, देर इज़ अ रेड कलर रेलिंग। आपको दो रेलिंग दिखेंगी रेड कलर की। टू फ्लावर बेड्स आर शोन ऑन बोथ साइड ऑफ द पाथवे। एक बीच में पाथ निकला हुआ है और उसके दोनों साइड एक फ्लावर बेड शो किया गया है। इन दिस पेंटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन दिस पेंटिंग टू जनरेशन आर शोन इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। दो जनरेशन शो की गई हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। देयर इज़ लॉयलिटी, फेथ, रिस्पेक्ट, सरेंडर एंड डेडिकेशन ऑफ द डिसिपल टूवर्ड्स हिज स्पिरिचुअल गाइड शोन। इस पेंटिंग में आपको बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज़ दिखने को मिलेंगे, जो उन जिनमें से एक है लॉयल्टी, फेथ, रिस्पेक्ट, सरेंडर एंड डेडिकेशन ऑफ अ डिसिपल टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल गाइड इज शोन। एक स्टूडेंट का डेडिकेशन दिखाया गया अपने टीचर के लिए। सो लेट अस डिस्कस द कलर स्कीम ऑफ दिस पेंटिंग। इन दिस पेंटिंग मेनली ब्लू, ग्रीन, येल्लो एंड पिंक कलर आर यूज्ड।
सो फ्रेंड्स, इस पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन फिनिश हो चुकी है। अगर आपको इस पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?